आने वाली 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर को टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी शहर के कई ऐसे पार्टी दल के लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मोर्चे की तैयारी चल रही है उस मोर्चे में समर्थन देने को तैयार। हम आपको बता दें कि बेहतर रिपब्लिकन पार्टी के थाने जिला अध्यक्ष सुरेश मस्के ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में आने वाली 28 तारीख जो टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में मोर्चा निकाला जा रहा है उस मोर्चे का समर्थन करते हुए नजर आए। भिवंडी के समत नगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू जी के कार्यालय पर बेहतर रिपब्लिकन पार्टी के थाने जिला अध्यक्ष सुरेश मस्के अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में खालिद गुड्डू जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आने वाली 28 तारीख जो टोरेंट कंपनी के विरोध में मोर्चा निकाला जा रहा है उस मोर्चे का समर्थन करते हुए नजर आए। हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक समर्थन पत्र देते हुए नजर आए बेहतर रिपब्लिकन पार्टी के थाने जिला अध्यक्ष सुरेश मस्के। ऐसे में हमारे चैनल से जुड़े सुरेश मस्के जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी सर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू जी ने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। ये जो समर्थन देने का कारण यही है कि आज भिवंडी शहर में आप देखते होंगे कि जो टोरंटो पावर कंपनी है जिस तरह से यहाँ पे कुछ आज़ादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए और राज्यकर्ता बन गई है, इसी तरह से 10 साल पहले टोरंटो आई थी, अभी 10 साल बाद में और उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी की जनता को अपील करता हूँ कि जो खालिद गुड्डू ने जो हल्ला बोल मोर्चा निकाला है 28 तारीख को, ये मैंने जब फेसबुक के ऊपर देखा, व्हाट्सएप के ऊपर देखा, तो मैं देखा कि यहाँ का दलित हो, यहाँ का मुस्लिम हो, यहाँ का हिंदू हो, यहाँ का सिख हो, यहाँ का ईसाई हो, हर धर्म का इंसान परेशान है टोरंटो के खिलाफ। टोरंटो कंपनी क्या करती है, उसका आवा को सवा जो भी उनके दिल में आए बिल लगा रही है, चार्जेस कुछ भी लगा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो गरीब है वो गरीब जीने के लिए आज लाचार बन गया है। और टोरंटो पावर कंपनी पुलिस का धाक दिखाती है, चार पांच पुलिस लेके आती है, वायर काट लेती है, गरीब लोग है डर जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि ये यहाँ पर हल्ला बोल मोर्चा राष्ट्रवादी की तरफ से खालिद हमारे मित्र खालिद गुड्डू साहब निकाल रहे हैं, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मैं बोला ये भिवंडी के जनता का मसला है और हर पार्टी भिवंडी के जनता के लिए अगर काम करती है तो हमें ये नहीं देखना है मोर्चा किसने निकाला है, तो हमें उन्हें समर्थन देना है। मैं आपके माध्यम से भिवंडी के और भी पॉलिटिक्स पार्टियों को और संगठनों को आह्वान करता हूँ कि ये बहुत वक्त की ज़रूरत है। हमें टोरंटो के खिलाफ आज अगर हम सवाल नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, तो ये इसी तरीके से हमारे साथ ज़्यादती करेंगे, हमारे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ेगा, इनकी जो ये जो चार्ज लगाएंगे वो चार्ज फिर भरना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना है तो इस मोर्चा में शामिल होना है और उनको जवाब पूछना है कि हमारा पैसा किस तरह से आप लेते हो, ये सरकार की तरफ सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल से जनता परेशान है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये टोरंटो भी सरकार ने दिया हुआ ये बच्चा है यहाँ पे हमारे सर के ऊपर, तो ये वहाँ तक हमारी 28 तारीख को आवाज़ जानी चाहिए, आपके माध्यम से जानी चाहिए, वहाँ जो बैठे हैं वहाँ से पुलिस के माध्यम से जानी चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ कि 28 तारीख को जितने भी लोग है वो ये नहीं देखे कि ये पार्टी ने निकाला है, वो पार्टी ने निकाला है, बस आपके अच्छा के लिए निकाला है और आप सबको वहाँ इसमें शामिल होना है और इसका बिल हमें टोरंटो का कम करना है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश मस्के है, मैं पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी का ठाणे जिला अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र कोकण प्रदेश का प्रभारी अध्यक्ष हूँ। आपके समर्थन में लोग होते हैं। सबसे पहले मैं सुरेश मस्के साहब को मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये भिवंडी शहर के पहले पार्टी की एक जवाबदार इंसान है जो इन्होंने आज राष्ट्रवादी पार्टी को इस मोर्चे का समर्थन लेटर ला के दिया है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कह दिया है कि इस शहर के जो भी पत्रकार हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर इस टोरेंट कंपनी की दादागिरी को ख़त्म करना है तो सारे लोगों को रोड पे उतरना चाहिए। अभी भी बहुत सी पार्टियों का मुंह बंद है। ये पहली रिपब्लिकन पार्टी के जो सुरेश मस्के ने मुझे समर्थन पत्र दिया है, अभी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पे काम कर रहे हैं, जिन इस कंपनी के टोरेंट कंपनी के वजह से बहुत लोग
हफ्ता वसूली, बहुत लोग जो है इनसे अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। ये पूरे शहर की 8 लाख जनता को टारगेट कर रहे हैं, पूरे शहर की 8 लाख जनता के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। मैं लोगों से ये कहूँगा कि राष्ट्रवादी पार्टी ऐसी है जो इनका मुकाबला कर सकती है और इनको इस शहर से भगा सकती है। इनकी दिन पे दिन दादागिरी बढ़ती जा रही, अभी भी इतने बड़े हुजूम पूरे शहर में इनका दादागिरी का चर्चा होने के बाद भी ये अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। अभी भी इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि जो आदमी बात से नहीं माने उसको लाश से सुधारना चाहिए, और ये राष्ट्रवादी पार्टी करके रहेगी, क्योंकि इनकी दादागिरी का खात्मा करना ज़रूरी है। यहाँ पे गरीबों का जो खून चूस रहे हैं, लोगों के घर में बच्चों की फीस भरने का पैसा नहीं है, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग एक दिन पहले 50 रुपये की फाइन से बचने के लिए जाके इनकी टाइम टू टाइम बिल भरते हैं। ऐसे ये तकरीबन 100 वॉरमैन को पाल रखे हैं, जो रात में अपने घर के बाहर मीटर रहता है उसके वायर को टेम्पर करने का, और वो जो वायरमैन जाके चोरी से गलत तरीके से लोगों के मीटर का वायर काटता है, वो पकड़े जाने पे जो पैसा ये गरीबों से वसूलते हैं उसका 30% उस वायरमैन को देते हैं जो चोरी से जाके घर के बाहर मीटर टेम्पर करता है, उनके केबल काटता है, और ये दूसरे दिन ऐसा लोगों को बताते हैं कि तुमने चोरी किया। मैंने इनको कितनी बार बोला कि जो लोग घर में 2 बल्ब और 2 लाइट जला रहे हैं, जो लोग घर में एसी चला रहे हैं, उनकी रीडिंग देखो, रीडिंग नहीं आ रही है तो हम समझ सकते हैं कि वो चोर हैं। जिनकी रीडिंग आ रही है वो चोर कैसे हो सकते हैं? बस इन्होंने बता दिया हमारे पास वीडियो शूटिंग है, ये वायर काटा है, ये वायर जोड़ा है, किसी एक फैमिली के नाम पे 10 अलग अलग मीटर है तो बोलेंगे एक नहीं 10 का 1 साथ पावर बिल भरो। तो ये जो दादागिरी है, इनके दादागिरी का हम खात्मा करेंगे। और आज भी मैं ये कहता हूँ, अगर ये शहर के पॉलिटिशियन और पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर इनके दलाल नहीं है तो सबको रोड पे उतरने की इस वक्त जरूरत है और इनका खात्मा करने की जरूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।